बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने फील्डविड्थ के टॉपिक का आगाज किया था, जिसमें हमने इंटीजर वैल्यूज के साथ आप किस तरह से फील्डविड्थ को यूज कर सकते हैं इसकी डिटेल आपको फराहम की थी। आज के लेक्चर में हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के साथ फील्डविड्थ को यूज करना आपको सिखाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, फील्डविड्थ स्पेसिफायर्स क्या होते हैं? द नंबर ऑफ कॉलम्स यूज टू डिस्प्ले अ वैल्यू ऑन टू द आउटपुट स्क्रीन इज कॉल्ड फील्डविड्थ। यानी किसी भी वैल्यू को आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए आप कितने नंबर ऑफ कॉलम्स को यूज करना चाहते हैं, ये स्पेसिफाई किया जाता है फील्ड विड्थ के जरिए। और इसको आप किस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं, इसका तरीकेकार है, इसका सिंटेक्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ सिंटेक्स में सबसे पहले आप परसेंट को यूज करेंगे, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के साथ ही हम फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स को भी यूज कर सकते हैं करते हैं। इसीलिए आप सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर के परसेंट सिंबल को यूज करेंगे, उसके बाद फ्लैग को। और फ्लैग से क्या मुराद है दोस्तों? फ्लैग से मुराद कुछ एडिशनल कैपेबिलिटी सिंबल्स हैं, जिन्हें हम अपनी फील्डविड्थ के साथ इस्तेमाल करके आउटपुट को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल सकते हैं। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि आप इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ किस तरीके से माइनस के फ्लैग को यूज करके वैल्यू को लेफ्ट अलाइन और राइट अलाइन कर सकते हैं। इसके बाद है विड्थ। दोस्तों, विड्थ से मुराद है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स को आप यूज करना चाहते हैं अपने रिजल्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए, क्योंकि आपकी आउटपुट स्क्रीन मल्टीपल कॉलम्स पर मुश्तमिल होती है और हर एक कॉलम में आप किसी एक ही वैल्यू को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो अगर आप अपनी मर्जी से मल्टीपल कॉलम्स के अंदर, यानी अपने डेटा से ज्यादा कॉलम्स के अंदर अपने डेटा को आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप विड्थ का इस्तेमाल करेंगे। और विड्थ के अंदर आप डिफाइन करेंगे कॉलम्स की वैल्यू को, जो कि कंपाइलर को बताएगी कि प्रोग्रामर कितने नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर अपने डाटा को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। और आखिर में डॉट के बाद यूज हो रहा है प्रिसिशन। दोस्तों, प्रिसिशन से मुराद है कि आप कितने डेसिमल प्लेसेस तक अपनी वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। और आप जानते हैं कि डेसिमल का इस्तेमाल हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज में करते हैं, तो प्रिसिशन का एलिमेंट भी सिर्फ और सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज में ही यूज किया जाता है, क्योंकि ये बताता है कि डॉट के बाद यानी डेसिमल पॉइंट के बाद आप कितनी वैल्यूज को आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। अब दोस्तों, आइए देखते हैं कि इंटीजर वैल्यूज के साथ आप फील्डविड्थ स्पेसिफायर को किस तरह से यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो आप प्रिंटएफ के फंक्शन में फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट एफ को यूज करते हैं। लेकिन अगर आप फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ फील्ड विद स्पेसिफायर भी यूज करना चाहते हैं, तो आप परसेंट के सिंबल और एफ के दरमियान, यानी इन दोनों के बिटवीन फील्ड विद को यूज करेंगे। और याद रखिए, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद भी डिजिट्स होते हैं, तो जो भी विद आप असाइन करेंगे वो तमाम डिजिट्स के लिए काफी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर एक वैल्यू है 12.45, तो यहाँ इसकी टोटल विड्थ है 5। यानी ये जो आपका आउटपुट है, ये पूरे 5 कॉलम्स पर डिस्प्ले होगा। और यहाँ आप गौर करें तो जो डेसिमल पॉइंट है, ये भी एक कॉलम को ऑक्यूपाई करेगा, इसीलिए इसकी टोटल विड्थ कहलाएगी 5। और दोस्तों, ये इसका सिंटेक्स देखिए। दोस्तों, यहाँ परसेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए यूज किया गया है, एम विड्थ के लिए यूज किया गया है कि ये जो पूरी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद वाली, ये कितने कॉलम्स में डिस्प्ले होनी है। और n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को, यानी प्रिसिशन के डेसिमल के बाद आप कितनी वैल्यूज को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर एक वैल्यू है 1.23456। अब अगर आप परसेंट f के साथ किसी किस्म का कोई फील्ड विड्थ यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपकी बाय डिफॉल्ट डेसिमल के बाद ये 6 वैल्यूज को डिस्प्ले करता है। लेकिन अगर आप इस n की जगह कोई भी आप नंबर लिख देते हैं 2, तो अब ये आपके डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा, 2 वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा। मिसाल के तौर पर ये एक स्टेटमेंट है printf के अंदर, आपने लिखा परसेंट 6.3f। तो दोस्तों, ये जो 6 है, ये बता रहा है कि आप ये चाहते हैं कि आपकी ये पूरी डेसिमल वैल्यू जो है, डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद वाली फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, ये 6 कॉलम्स में डिस्प्ले होनी चाहिए। और इससे के बाद आपने पॉइंट के बाद 3 लिखा है, तो ये 3 है n की वैल्यू,
जो कि कंपाइलर को ये बताएगी कि आप डेसिमल के बाद यानी पॉइंट के बाद अशारिया के बाद तीन वैल्यूज को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर f से मुराद है कि ये एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, क्योंकि आप डेसिमल वैल्यूज के लिए आप परसेंट f के फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करते हैं, तो यहाँ पर f से मुराद है कि ये एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज ये आपके सामने एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने एक फ्लोट वेरिएबल लिया है a, और उसमें हमने वैल्यू स्टोर करवाई है 15.246। तो दोस्तों अब अगर आप डेसिमल के बाद सिर्फ दो वैल्यूज को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप इसका सिंटेक्स इस तरह से लिखेंगे। आप सबसे पहले लिखेंगे परसेंट, परसेंट का सिंबल, उसके बाद अगर आप विड्थ डिफाइन करना चाहते हैं तो आप परसेंट के बाद विड्थ डिफाइन करेंगे। अगर आप विड्थ डिफाइन नहीं करना चाहते तो ये ऑटोमेटिकली इसको सिक्स कॉलम्स में ही डिस्प्ले करेगा। लेकिन दोस्तों अब आपने पॉइंट के बाद प्रिसिशन भी दे दी है, और प्रिसिशन से यहाँ मुराद है कि आप इस डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों कंपाइलर ये काम डायरेक्टली नहीं करेगा बल्कि राउंड ऑफ के प्रोसीजर के थ्रू करेगा। दोस्तों राउंड ऑफ का प्रोसीजर आप बचपन में अपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ चुके हैं, विच मीन्स कि जिस वैल्यू को इसे ओमिट करना है ये चेक करेगा कि क्या वो वैल्यू 5 से बड़ी है या 5 के बराबर है। अगर तो ऐसा है तो ये इसे पहली वैल्यू में एक का इजाफा कर देगा। मिसाल के तौर पर ये वैल्यू है 15.246। अब क्योंकि आप पॉइंट के बाद आपने यहाँ पर प्रिसिशन दी है 2, तो ये सिर्फ दो ही वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, लेकिन ये डायरेक्टली इस 6 को ओमिट नहीं करेगा बल्कि ये चेक करेगा कि क्या ये जो 6 है ये छोटा है 5 से, या फिर ये 6 जो है ये 5 के बराबर है या फिर बड़ा है। अगर तो दोस्तों ये 6 5 से बड़ा है, जैसे कि आप जानते हैं कि 6 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो अब ये इससे पहले वाली वैल्यू में एक का इजाफा कर देगा, यानी अब आपकी जो वैल्यू डिस्प्ले होगी वो 5.24 नहीं होगी बल्कि 5.25 डिस्प्ले होगी। क्यों? राउंड ऑफ के तरीके कार के थ्रू। और अगर दोस्तों आपकी ये वैल्यू मान लीजिए है 2.44, तो अब ये चेक करेगा कि क्या ये वैल्यू 5 से बड़ी है, तो 4 आप जानते हैं कि 5 से छोटा है, तो अब ये डायरेक्टली बिना किसी इंक्रीमेंट के ये डायरेक्टली प्रिंट कर देगा 5.24, यानी अब ये किसी किस्म का कोई इंक्रीमेंट नहीं करेगा। दोस्तों आइए अब इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को आपको प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करें। दोस्तों ये स्क्रीन पर आपके सामने एक प्रोग्राम मौजूद है, हमने एक फ्लोट वेरिएबल लिया है बी जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करवाई है 15.246। अब दोस्तों यहाँ पर हमने इसको प्रिंट करवाने के लिए फील्डबिट स्पेसिफायर के अंदर प्रिसिशन की वैल्यू ली है 2। 2 से मुराद ये है कि अब ये डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा, लेकिन किस तरीके से ये करेगा? राउंड ऑफ के तरीके के थ्रू, अब जो कि अभी हमने पहले भी देखा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि अब ये क्या प्रिंट करवाता है, ये 15.24 प्रिंट करवाता है या 15.25 प्रिंट करवाता है। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर आपका रिजल्ट आया है 15.25, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये चेक करेगा कि जो वैल्यू ओमिट हो रही है वो 5 से ग्रेटर देन है या 5 से स्मॉल है। यहाँ पर क्योंकि 6 5 से बड़ा है इसीलिए ये अपने से पहले वाली वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट कर देगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम 6 के बजाय इसकी वैल्यू कर देते हैं 4। अब ये चेक करेगा, अभी भी कभी कंपाइलर को बताएगा कि भाई आपको जो है वो 2 वैल्यूज को ही पॉइंट के बाद डिस्प्ले करवाना है, लेकिन अब ये चेक करेगा कि क्या मेरी जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी है, जो कि 5 से बड़ी नहीं है। अब ये इसको प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पर आपका रिजल्ट आएगा 5.24, क्योंकि यहाँ पर इसने राउंड ऑफ किया और राउंड ऑफ के दरमियान इसे ये देखा कि यहाँ पर इसको किसी किस्म का कोई इंक्रीमेंट नहीं करना है क्योंकि वैल्यू 5 से स्मॉलर है। तो दोस्तों इस तरीके से फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के अंदर अगर आप प्रिसिशन के अंदर कोई वैल्यूज कम भी करना चाहते हैं तो ये राउंड ऑफ के तरीके के थ्रू उसको डिक्रीमेंट करता है। दोस्तों ये तो बात हो गई प्रिसिशन की, लेकिन अगर आपकी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू बड़ी है जबकि विड्थ आपने छोटी डिफाइन की है, तो यहाँ भी इंटीजर्स की तरह ये ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यूज को जितने कॉलम्स रिक्वायर्ड होंगे उनमें फिक्स कर देगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपकी वैल्यू है 15.244, तो अगर हम यहाँ पर विड्थ डिफाइन करते हैं 3, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर रिक्वायर्ड है कॉलम्स 6। तो दोस्तों यहाँ पर अब जब ये प्रिंट करेगा तो ऑटोमेटिकली जितने आपकी वैल्यू को कॉलम्स रिक्वायर्ड होंगे उनमें इसको फिक्स कर देगा। ये देखिए दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों ये काम करता है। और डियर फ्रेंड्स यहाँ पर एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि अगर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू छोटी है और लेकिन जो विड्थ आपने डिफाइन की है वो बड़ी है,
तो फिर ये एडिशनल कॉलम्स में स्पेस एलोकेट कर देगा और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को राइट जस्टिफाई कर देगा। मिसाल के तौर पर दोस्तों यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड है 6 कॉलम, लेकिन आपने यहाँ पर जो विड्थ डिफाइन की है वो आपने कर दी है 9। तो अब दोस्तों क्या होगा, जो एडिशनल कॉलम्स होंगे उसके अंदर ये स्पेस कर देगा, ये देखिए, और जो आपकी पूरी वैल्यू है इसको राइट अलाइन कर देगा। अगर आप इसको लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं अपनी वैल्यू को, तो आप यहाँ पर फ्लैग माइनस फ्लैग का यूज करेंगे और ये देखिए दोस्तों ये आपकी वैल्यू जो है ये अब लेफ्ट अलाइन हो गई है। तो दोस्तों इस तरीके से जो इंटीजर्स के अंदर आप जिस तरह से फ्लैग्स यूज करते थे, इंटीजर्स के अंदर आप जिस तरह से विड्थ यूज कर सकते थे, बिल्कुल ऐसे ही फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज में भी यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक एडिशनल आपको एलिमेंट दिया गया है वो है प्रिसिशन का, और प्रिसिशन से मुराद है कि आप डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो वो आप इस पॉइंट के बाद प्रिसिशन को डिफाइन करके कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे इस लेक्चर का इख्तिताम हुआ, फील्ड विथ के टॉपिक का इख्तिताम हुआ। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक विच इज स्कैनर फंक्शन, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।